Hello, students. I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now, we will start our new chapter, Chapter 11 Safety Rules. So, in this chapter, we shall learn about the different safety rules. Uh, what should be the safety rules that we should follow at the uh, playground? What should be the safety rules we should follow on the road? What should be the safety rules we should follow at the home? Now, if we should follow the safety rules, we can uh, Protect us from injuries and different accidents, and accidents and injuries are occurred due to the carelessness. Now, we should avoid these accidents and injuries uh, after following the safety rules. Now, let's begin the chapter. Chapter 11 Safety Rules So, students get a start. Observe the following signs on the road. Draw or paste their pictures in the space provided. Now, students, in the blank space, you draw or paste the signs on the road that is zebra crossing. First image, second is no horn, and last one is no parking. Is this, you draw the signs ko paste bhi kar sakte Now, let's read the chapter. Accidents happen sometimes due to our own carelessness and sometimes due to carelessness of others. एक्सीडेंट्स बच्चों क्यों होते हैं या तो खुद की लापरवाही की वजह से होते हैं या सामने वाले की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसका मेन कॉज क्या है केयरलेसनेस दे कैन अकर एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम वी कैन अवॉइड सच एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल बच्चों एक्सीडेंट्स कहीं भी किसी भी प्लेस पे किसी भी समय हो सकते हैं हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को केयरफुल रह के यानी सावधानी के साथ

नेक्स्ट यूज अब वे टू क्रॉस द रोड इफ देयर इज अवेलेबल बच्चो अगर सब वे है तो अब वेल एंड हम सबवे से ही रोड को क्रॉस करेंगे नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड ट्रेवलिंग इन और बाय व्हीकल जब हम किसी व्हीकल के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें कौन सी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू अव बोर्डिंग अ बस आप हमेशा क्यू में लाइन में ही बस के अंदर चलेंगे बोर्डिंग करेंगे डू नॉट लीन आउट और पुट योर हेड और हैंग आउट ऑन अ मूविंग व्हीकल बच्चों आपको कभी भी अपने हैंड को बाहर नहीं निकालना मूविंग व्हीकल से हेड को बाहर नहीं निकालना या उससे लीन मतलब कि उसके सहारे नहीं बैठना ना नेक्स्ट डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ ऑफ अ मूविंग व्हीकल कभी भी आप चलते हुए व्हीकल से इन और ऑफ़ नहीं करेंगे चढ़ेंगे या उतरेंगे नहीं डू नॉट डिस्टर्ब दी ड्राइवर एंड सिट क्वाइटली बच्चों जो भी व्हीकल के ड्राइवर होते हैं उसे कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम सिट क्वाइटली बैठेंगे वे आर अलमेट इफ राइडिंग अ बाईसाइकिल और राइडिंग ऑन अ टू व्हीलर बच्चे जब भी आप बाईसाइकिल राइड करते हो या टू व्हीलर पर जाते हो तो आप हेलमेट पहनेंगे फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स जब हम बच्चों व्हीकल्स चलाते हैं तो हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेंगे वी शुड नॉट प्ले विथ द स्टीयरिंग व्हील और अदर पार्ट ऑफ अ व्हीकल इवन वेन द व्हीकल इज नॉट मूविंग बच्चों जब व्हीकल मूव नहीं कर रहा होता तो, तो आप क्या करते हो उसके स्टियरिंग या किसी भी पार्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इट इज़ कॉज टू द इंजरी और एन एक्सीडेंट नाव स्टूडेंट नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम कि हमें किस तरीके से सेफ्टी से रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम घर पर होते हैं नाव लुक एट दर्स्ट पॉइंट डो नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ ब्लेड सीजर्स एंड नीडल्स कभी भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना जो आप जो आपकी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है जैसे कि नाइफ हो गई सीजर्स हो गए नीडल्स हो गए नाव नेक्स्ट इज डो नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर स्विच एंड अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स कभी भी बच्चों गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को नहीं टच करना इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस को टच नहीं करना इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है नेक्स्ट कीप योर टॉयज एंड थिंग्स इन दियर प्रॉपर प्लेस आपको हमेशा टॉयज और अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे ही रखना है नेक्स्ट इज डो नॉट रन ऑन स्टेयर्स कभी भी आप स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे भाग के नहीं उतरेंगे डो नॉट प्ले विथ फायर एंड मैचस्टिक्स कभी भी आपको मैचस्टिक्स किया फायर के साथ नहीं खेलना है Do नॉट क्लाइम ऑन टू शेल्व्स और विंडो सेल्फ कभी भी आप जो किचन की शेल्स होती है या स्लैब्स होती हूँ उस पर क्लाइंब नहीं करेंगे कीप अवे फ्रॉम गैस स्टोव ovens, टोस्टर्स एन हीटर्स जो भी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस आपके किचन में रखी रहती है आप उसके पास नहीं जाएंगे ना ही गैस स्टोव को टच करेंगे नेवर टेक medicines ऑन योर own. कभी भी हमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के डॉ नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो हमें हार्म कर सकते हैं ठीक होने के बजाय नाव लेट्स ये मिसिंग पैक

आपको ना कलर्स के नेम फिल करने हैं कि आपके कौन से कलर के ट्रैफिक लाइट क्या बताती है ट्रैफिक बच्चों कौन सी लाइट टर्न होती है जब ट्रैफिक को वेट करना होता है येलो फर्स्ट में हम फिल करेंगे येलो नेक्स्ट वेन आई टर्न डैश द ट्रैफिक गोस ग्रीन नेक्स्ट वेन आई टर्न डैश द ट्रैफिक स्टॉप रेड Now next topic is safety at school. Now look at the first point. Never stand on the chairs or desk. कभी भी बच्चों आपको चेयर या डेस्क के ऊपर नहीं खड़े होना Do not run while using the stairs. बच्चों जब भी हम stairs पे का ka use करते हैं हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं कभी भी भागेंगे नहीं नेवर रन कैरिंग स्कूल बैग कभी भी आप स्कूल बैग को कैरी करके नहीं भागेंगे यूज अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट बच्चों हमेशा हमें वेस्ट को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए डो नॉट स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर कभी भी हमें फ्लोर पे वाटर स्पिल नहीं करना चाहिए डो नॉट थ्रो थिंग्स आट ईच अदर यू मे गेट हर्ट कभी भी हम किसी क्लासमेट को, को कोई चीज देते हैं तो हमें थ्रो करके नहीं देनी इससे आपके या उसकी लग सकती है और नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी आर दी प्ले ग्राउंड कौन कौन सेफ्टी से रूल्स से है हमें प्ले ग्राउंड में फॉलो करने चाहिए फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज प्ले इन एन ओपन स्पेस डू नॉट प्ले ऑन दी रोड आप हमेशा ओपन स्पेस में ही खेलेंगे कभी भी हमें खेलते हुए रोड पे नहीं जाना चाहिए प्ले सेफ एंड फेयर गेम्स हमें सेफली और फेयर गेम्स ही खेलने चाहिए ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम हमें हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स अगर कोई बच्चा स्विंग्स को प्ले कर रहा है तो हमें उसके सामने नहीं खड़े होना इससे हर्ट हो सकता है डो नॉट प्ले और हाइड इन डार्क एंड लोनली प्लेसेस जब भी आप हाइड एंड सी खेलते हैं कभी भी आप डार्क या लोनली जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे जाके नहीं छिपेंगे डो नॉट प्ले नियर बुशेस कभी भी हमें बुशेस के पास नहीं खेलना चाहिए डो नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स कभी भी हमें स्विंग्स पे एक दूसरे को धक्का नहीं देना वेट फॉर योर टर्न आर स्विंग्स हमें अपने टर्न का वेट करना है नाओ बी पेशेंट एंड काम डो नॉट प्ले नीयर पॉन्ड्स रिवर्स और स्ट्रीम्स कभी भी हमें पानी के पास नहीं खेलना नाओ नेक्स्ट इज स्विंग सम वन गेट्स हर्ट अगर किसी के बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी लग जाती है तो हमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं इफ़ यू और एन वन एज गेट हर्ट और इंजर्ड बाई चांस नाओ यू कैन फॉलो दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट डो नॉट गेट इस्टे काम हमें सबसे पहली बार डरना नहीं है हमें काम रहना है टेल एन एल्डर एट होम और अ टीचर एट स्कूल अगर आपको घर में कोई हर्ट हो गया है तो आप अपने एल्डर को बताएंगे अगर स्कूल में आपको हर्ट हुआ है तो आप अपने टीचर को बताएंगे दे विल गिव यू नेसेसरी फर्स्ट एड और टेक यू टू द डॉक्टर वो आपको फर्स्ट एड देंगे और फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे नाउ स्टूडेंट्स सी एन मिसिंग फैक्ट दस ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी टीचर्स फर्स्ट एड एंड ऑल वेलफेयर वर्क बच्चों जो मेंबर्स होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी इंजोर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना चाहिए उसकी हेल्प करनी चाहिए और सारे वेलफेयर वर्क के बारे में बताते हैं नाउ स्टूडेंट्स लेट सी द न्यू वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज सेफ्टी दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बींग सेफ बच्चों सेफ्टी का मीन्स होता है कैसे हम अपने आप को सेफ यानी सुरक्षित रख रहे हैं इंजरी मीन्स होता है हार्मन टू अ पर्सन और एन एनिमल्स बॉडी इंजरी यानी चोट लगना या तो किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर या पर्सन की बॉडी के ऊपर किसी भी चीज को हर्ट होना फुटपाथ मीन्स होता है अ पार्ट फॉर पीपल मूविंग ऑन फुट जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं उनके लिए एक पाथ बनाया जाता है जो वॉक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं फुटपाथ क्यू मीन्स अ लाइन ऑफ पीपल कार्स एक्सेट्रा बच्चों एक लाइन में पीपल्स के या कार्स के उसे हम क्यों कहते हैं एडल्ट मीन्स अ फुल्ली ग्रोन एंड डेवलप्ड पर्सन एडल्ट बच्चों एक ग्रोन और फुली ग्रोन और डेवलप्ड पर्सन को हम एडल्ट कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स सी लेटसना नर्सियन फर्स्ट पॉइंट वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाई बी केयरफुल हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सुरक्षित रहेंगे सावधानी बरतेंगे नेवर रन ऑन दी रोड कभी भी हमें सड़क पे नहीं भागना चाहिए ऑलवेज स्टैंड इन अ अव्यू वाइल बोजिंग बस हमेशा हम अगर बस में बोर्ड कर रहे हैं तो क्यू में चलेंगे डो नॉट प्ले विध फायर एंड मैच स्टिक्स कभी भी हमें फायर या मैचस्टिक्स के साथ नहीं खेलना ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम हमेशा हम गेम्स के रूल्स को फॉलो करेंगे नेवर स्टैंड ऑन द चेयर्स और डेस्क कभी भी हमें चेयर और डेस्क पे नहीं खड़े होना नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज लेट्स डू एक्सरसाइज ए राइट द करेक्ट ऑप्शन नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन फर्स्ट वी शुड नॉट प्ले विद

Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space with the correct word. First is never dash or dash on the road. Never run or play on the road. Next, look both sides for the dash before crossing the road. Look both sides for the vehicles. Next, do not dash the driver. Sit quietly. Do not disturb the driver. डो नॉट क्लाइम ऑन टू डे और डैश हमें किस पे क्लाइम नहीं करना चाहिए डेस्क और चेयर्स नेक्स्ट वेट फॉर योर डैश डेट स्विंग्स हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए स्विंग्स के लिए वेट योर टर्न नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज सी मैच कॉलम्स नाउ यू कैन मैच कॉलम ए टू कॉलम बी फर्स्ट इज कीप योर सेल्फ बच्चों हमें अपने आप को कैसे रखना है सेफ फर्स्ट को मैच करेंगे डी से डू नॉट प्ले बच्चों हमें किसके साथ नहीं खेलना with fire. को मैच करेंगे a से बी तो केयरफुल रहना चाहिए थर्ड को मैच करेंगे बी से इन केस ऑफ सीरियस इंजरी विजिट द डॉक्टर अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए फोर्थ को मैच करेंगे सी से नाउ स्टूडेंट रिस्क सेल्फ आई अ नाइस डे